हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल का आज पार्ट टू हम पढ़ेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हमने आपको पहले बताया था, आज हम न्यूमेरिकल का दूसरा वीडियो बना रहे हैं सॉल्यूशन पर। ये पहला सवाल दिया गया है, 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है, ये 30% द्रव्यमान का कार्बन टेट्राक्लोराइड में बिलियन बना हुआ है, तो द्रव्यमान परसेंटेज का ये फार्मूला क्या होता है, W/W × 100 होता है। हम बिलियन कितने में बनाते थे, 100 ग्राम में बनाते थे, तो यहाँ बिलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, देखिए 100 ग्राम होगा ना, विलियन का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, बेंजीन का द्रव्यमान कितना होगा, 30% है, 30 ग्राम होगा 100 में, तीस ग्राम हो जाएगा ये बेंजीन का भार। अच्छा, आप 100 में से अगर हम 30 माइनस कर दे तो किसका निकल जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि CCl4 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 - 30 = ये 70 ग्राम, ठीक ही हो जाएगा। अब यहां पर जो बेंजीन है, आप देखिए इसकी जो मात्रा है ये 30 ग्राम है, और यहां ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसकी जो मात्रा है 70 ग्राम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब जो मात्रा कम होगी वही आपका विलेय होगा, और जो मात्रा ज्यादा होगा वो आपका विलायक होगा। तो ये वाला आपका विलेय है, यहाँ ये जो बेंजीन की मात्रा है इसको आप कह सकते हैं कि ये विलेय की मात्रा है, और इसको आप कह सकते हैं ये विलायक की मात्रा है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, कह रहा है मोल अंश निकालना है। जब मोल अंश की बात ये कर रहा है तो पहले हमें मोलों की संख्या मालूम होनी चाहिए, तभी तो मोल अंश निकलेगा। तो मोलों की संख्या हम पहले निकालते हैं। तो ये देखिए बेंजीन का द्रव्यमान ग्राम में निकला हुआ है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का ये द्रव्यमान ग्राम में है। अब हम इनके, बेंजीन के और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, तो अब इनका पहले मोलर द्रव्यमान हम निकालते हैं दोनों का। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कहिए या कहिए अणुभार कहिए, मॉलिक्यूलर मासेस इसके, तो यहां देखिए कार्बन 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 12 प्लस, और यहां 6 × 1 हो जाएगा, इसको देखिए 12 × 6 = 72 हो जाएगा, और प्लस ये 6 कितना हो जाएगा, 78, ये 78 क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल हो जाएगा। चलिए बेंजीन का ये आपका मोलर द्रव्यमान मालूम है। इसी तरीके से CCl4 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन आपका कितना है 12 है, प्लस ये 4 × क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर देखिए, तो 12 प्लस ये आप इसको कर लेंगे तो 142 हो जाएगा, और इसको आप जोड़ लीजिए तो 154 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब हमें मोलों की संख्या निकालनी है दोनों की,
तो मोलों की संख्या यानी C6H6 के मोलों की संख्या, इसको विलेय है तो इसको हम स्मॉल n से दिखा देते हैं, पर ये C6H6 ये मोलों की संख्या क्या है, इसकी ग्राम में मात्रा आपका 30 ग्राम है और इसका मोलर द्रव्यमान कितना है। अच्छा ये फार्मूला लिख देते हैं, मोलों की संख्या क्या होता है भाई, W/L होता है, तो ये आपका हो गया 30 बटे क्या हो गया 78। इसको आप काट दीजिए तो काट देंगे तो आ जाएगा ये 0.385 क्या मोल हो जाएगा। इसी तरीके से CCl4 के मोलों की संख्या कितनी जाएगी, आई विल आके कैपिटल से दिखाएंगे, ये CCl4 ये हो जाएगा, ये W/L क्या यह हो गया, तो इसका कितना है 70 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 154 है, तो इसको आप अगर काट देते हैं तो आ जाएगा इसका 0.455 मोल। तो ये मोलों की संख्या मालूम हुई। अब हमें क्या निकालना है, बेंजीन का मोल अंश निकालना है, तो बेंजीन का मोल अंश क्या हो जाएगा, तो इसके मोलों की संख्या जो बेंजीन के मोलों की संख्या है और इन दोनों के योग के मोलों की संख्या का क्या होता है, अनुपात होगा। तो बेंजीन का मोल अंश जीटा, ये देखिए बेंजीन का मोल अंश जीटा इक्वल टू क्या होगा, तो इतना बटे इन दोनों का योग, तो यल C6H6 बाई क्या हो जाएगा, यल C6H6 प्लस कैपिटल यल CCl4। तो इसके मोलों की संख्या है कितनी, 0.385। फिर वही चीज यहां 0.385 प्लस इसके मोलों की संख्या 0.455। हाँ अगर आप इसको हल कर देते हैं तो आपका यह आ जाएगा 0.458 ये इसका आ जाएगा, ये मोल अंश, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं अब। हाँ अगर इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी कहा होता तो एक में से इसको हम घटा देते तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकल जाता, क्योंकि हम जानते हैं दोनों का योग क्या होता है, एक होता है। तो बहरहाल यहाँ क्या पूछा था, बेंजीन का ही पूछा था, इसलिए यहाँ घटाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम, तीस ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट × 6H2O यहां है जल के 4.3 लीटर विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता, मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक चलिए विलयन की मोलरता निकालनी है यहां, चलिए निकाल लेते हैं। तो विलयन की मोलरता का क्या फार्मूला है, पहले फार्मूला आप लिख लीजिए, मोलरता बराबर क्या होता है, स्मॉल एन बाई वी, या इसको पूरा टोटल आप करेंगे तो एन इक्वल टू W/M होता है, एन इक्वल टू W/M, तो W/Y क्या हो जाएगा यहाँ, यम ये आपका वी है, अगर ये वी ये क्या है आपका
देखिए एमएल में नहीं दिया, लीटर में दिया, तो बस इतना ही हम करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू कितना दिया है, 30 ग्राम, डब्ल्यू बराबर 30 ग्राम दिया है। और देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, किसका निकालते हैं, ये दिया है CO(NO3) का 4 × 6 H2O। इसका आप मोलर द्रव्यमान आप निकालेंगे तो कोबाल्ट का होता है आपका 59 होता है, और बाकी आपके नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 गुणे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन आपके कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बन रहे हैं, देखिए 6 बन रहा है, तो ये 6 गुणे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है, 18 होता है, तो 6 गुणे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आप इसको पूरा आप जोड़ लेंगे तो 100 जो है ये सॉरी ये आपका जाएगा 291 ये ग्राम पर मोल, ठीक ये आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। अब देखिए वी कितना दिया है, यहाँ वी आपका जो दिया है आयतन, ये 4.3 जो है लीटर दिया हुआ है। चलिए आप सब रख लीजिए, मालूम हो गया सब कुछ। तो यहाँ मोलरता बराबर क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ फार्मूले में रखिए तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कितना आपका 30 ग्राम, ऊपर कुछ नहीं, यहाँ आपका 291 और यहाँ आयतन आपका 4.3, ठीक ये है। आप इसको चार दशमलव तीन, तो अगर आप यहाँ इसको आप गुणा कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा गुणा करने पर 12.51 आ जाएगा। और देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 300, ये 12.51 जो है आपका हो जाएगा 3, इसको आप काट देंगे तो आपका आ जाएगा ये 0.239 क्या जाएगा मोलर का, आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक ये आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरे सवाल का आंसर, ये एक नोट कर लीजिए इसको, हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा है, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो नोट करते रहिएगा। ये 30 ml 30 ml 0.5 मोलरता का है, ये H2SO4 को 500 ml तनु करने पर प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, मोलरता ज्ञात करनी है तो मैंने आपको तन विलयन के लिए एक फार्मूला आपको बताया था, तो वही फार्मूला आप लिख लीजिए। क्या बताया था फार्मूला, M1V1 = M2V2। देखो ये पहले की मोलरता है, बाद की मोलरता है, तो बाद की मोलरता तन करने पर ही पूछ रहा है उसकी मोलरता क्या होगी, तो इसी मोलरता को हमें क्या करनी है, निकालनी है। देखिए आयतन दिया है आपका V1, ये इतना दिया है, ये आपका V1 है और ये इसकी क्या है, मोलरता है। अब देखिए इसी मोलरता निकालना है और इसका ये आयतन क्या है, दिया हुआ है, तो रख लीजिए इसमें। तो ये हो गया आपका 0.5 और यहाँ हो गया आपका ये 30 ml और यहाँ M2 आपको निकालनी है और यहाँ आपका क्या हो गया 500 ml हो गया। चलिए M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 × 30 और ये हो गया आपका यहाँ पर 500 हो गया, ठीक। अब देखिए यहां से आप यहां से ये 10 से यहां दशमलव हटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 5 × 15 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा यहाँ 500 हो जाएगा।
अब इसको काट दीजिए, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और ये 5 × 1 = 5, यह आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ 3/3 हो गया 100, अर्थात इसको हम लिखते 0.03 ये मोल, ठीक, मोलरता इसकी हो गई। तो प्राप्त नए विलयन की मोलरता क्या हो गई, 0.03 यम, ठीक, यम लिखिए या मोल पर लीटर आप लिख सकते हैं, ठीक, यम नोट कर लीजिए। हो गया, अगला सवाल देखिए, अगला है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन, चौथा सवाल है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% यानी कि W का है, विलयन की मोललता तथा विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है, यदि विलयन का घनत्व (1.2 g/mL) हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी, ठीक, ये तो क्या क्या पूछा है, तो पहले यहाँ पूछा सवाल है विलयन की मोललता पूछा है, फिर क्या प्रत्येक घटक का मोल अंश पूछा है, फिर क्या पूछा है यहाँ विलयन की मोललता भी पूछा है, ठीक। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है, ये 10% किसका है, ग्लूकोज का 10% जलीय विलयन है, W by W का है, यानी कि कितने विलयन आपका बना होगा, ये 100 g में बना होगा ना, ये विलयन 100 g में विलयन आपका बना हुआ है। अब देखिए विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यानी ग्लूकोज के जरिए विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलयन का सौ ग्राम होगा, ग्लूकोज के जरिए विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 g हो जाएगा, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है इसमें, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना होगा यहां, 10 g होगा, तो विलयन का ये पूरा 100 g है, ये ग्लूकोज का द्रव्यमान 10 g हो गया, तो जल का कितना होगा, जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 - 10 = 90, 90 g हो जाएगा, ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। अब देखिए क्या है, ग्लूकोज है और जल है, इनके मोलर द्रव्यमान भी यहां लिख लेते हैं। अच्छा देखिए ये आपका क्या है, ये विलयन है,
तो ये बिलियन का द्रव्यमान है, ये बिलियन का जो है आपका ग्राम में भार है। अच्छा, एक ग्लूकोज देखिए आपका 10 ग्राम है और एक 90 ग्राम है, ज्यादा हुआ। तो यानी कि ये वाला आपका क्या होना चाहिए, ये विलेय होना चाहिए, यानी कि स्मॉल ए डब्ल्यू, और ये आपका क्या है, विलायक है। यहाँ पर आपका ये विलायक है, यानी कि विलायक आपका, अगर हम मोललता के केस में देखें तो ये आपका कैपिटल डब्ल्यू होगा। ठीक, तो अब देखिए मोललता हम पहले निकालते हैं यहां से। तो मोललता क्या होता है, फार्मूला डब्ल्यू बाई यम, और यहां कैपिटल डब्ल्यू होता है, और यहां पर आपका गुणे क्या हो जाता है, 1000। ये आपका फार्मूला है मोललता के केस में। तो आप देखिए मोललता के स्मॉल डब्ल्यू कितना आपका यहाँ 10 ग्राम। अच्छा, यहाँ अणुभार पहले निकाल लेते हैं। याद देखिए ग्लूकोज C6H12O6 का द्रव्यमान कितना होता है, निकाल ले जाएंगे आप 180 यहाँ होगा ग्राम पर मोल होगा। अच्छा, जल का भी निकाल लेते हैं, मालूम है जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, जानते हैं 18 ग्राम पर मोल होगा। चलिए हम मोललता पहले निकाल लेते हैं। तो मोललता डब्ल्यू ये आपका हो गया 10 ग्राम, और ये आपका क्या हो गया 1000, और यहाँ आपका मोललता, यहाँ जो ग्लूकोज है विलेय पदार्थ उसका अणुभार कितना है, ले निकाला 180, और यहाँ विलायक आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, यहाँ एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो आपका बच्चा क्या, यहाँ 10 × 10 यहाँ पर आपका 100 बचा। अच्छा, नीचे लिखते हैं, यहाँ आपका क्या बचा 100 बचा, और यहाँ आपका क्या हुआ 18 × 9 हुआ। ठीक, इतना आपका यहाँ पर हुआ। अगर इसको आप काट दीजिए यहाँ, ये देखिए आपका क्या होएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर इसको देखे तो आप 50 / क्या हो जाएगा आपका 9×81 हो जाएगा। तो इसको आप अगर काट देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 0.617। ठीक, मोललता है ये, तो चाहे स्मॉल एम लिख लीजिए या आप लिख सकते हैं मोल पर किलोग्राम। ठीक, इसका यूनिट होता है ये। तो एक आंसर आपका ये क्या है, यहाँ निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश हम निकाल लेते हैं, तो ये आपका एक उत्तर हो गया मोल अंश निकालने के लिए। तो पहले ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालते हैं। मोलों की संख्या, ग्लूकोज आपका क्या है, विलायक है, तो यहाँ लिख सकते हैं यन C6H12O6, ये हो जाएगा। तो ये क्या होता है डब्ल्यू बाई क्या होगा, क्या होगा, तो ग्लूकोज का कितना ग्राम है भैया, 10 ग्राम, और ग्लूकोज का अणुभार कितना है 80। तो ग्लूकोज की ये आप हल कर देंगे, देखिए यहाँ काट दीजिए, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहाँ आपका बचा 1/18, इसको आप काट देते हैं तो आपका आ जाएगा ये 0.055। ठीक, ये आ जाएगा इसके मोलों की संख्या, इतनी मोल। ठीक है, जो है अब हम निकाल लेते हैं जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या आपका विलायक है, तो यहाँ आपका कैपिटल हो जाएगा ये। जल के मोलों की संख्या डब्ल्यू बाई यम, जल का कितना है 90 ग्राम, और यहाँ कितना है आपका ये 18, 18 × 90, इतना मोल। ठीक,
ठीक। अब हम यहाँ प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं ग्लूकोज का मोल अंश निकाल लेते हैं। तो ग्लूकोज का मोल अंश क्या हो जाएगा, ये जीटा C6H12O6, तो यहाँ हो जाएगा। तो इसके मोलों की संख्या ग्लूकोज के यन C6H12O6 बाई क्या हो जाएगा, यन C6H12O6 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ आपका, ये देखिए मैं इसके फार्मूला लिख रहा हूँ इसके नीचे, यहाँ मोलों की संख्या और यहाँ आपका कैपिटल एन क्या भाई जल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रख दीजिए, तो ग्लूकोज का कितना है 0.055 और यहाँ आपका यहाँ रखिए 0.055 और प्लस इसके मोलों की संख्या कितनी है 5, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ 0.55, यहाँ 0 और यहाँ आपका हो जाएगा ये 5.055। इसको आप अगर हल कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, ठीक। अच्छा तो एक का मोलक संख्या निकल गई है, तो भाई जल के मोलक संख्या निकाल ली है, तो क्या करते हैं हम एक में से घटा देते हैं निकल जाएगा, तो फिर इस तरीके से हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस तरीके से रख के। तो देख लिए यहाँ आपका हो जाएगा यानी कि जीटा C6H12O6 प्लस जीटा H2O, इसका टू क्या होता है 1 होता है, इसी फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आप रख लीजिए जीटा H2O टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका ग्लूकोज का हो जाएगा, ठीक ये आ गया। अच्छा यहाँ से आप रख लीजिए 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.1, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप घटा देंगे तो 0.99, तो ये आपका एक आंसर यहाँ ये हो गया। तो एक आंसर आपका यहाँ पर हो गया, एक आंसर आपका यहाँ हो गया और एक आंसर आपका ये। अब लास्ट में हमें क्या निकालनी है, लास्ट में विलयन की मोलरता निकालनी है। तो देखिए मोलरता निकालनी है तो हमें आयतन तो पता नहीं है, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता इक्वल टू क्या होता है W बाई यम, यहाँ आपका V और यहाँ पर ये फार्मूला, यहाँ आयतन, यहाँ तो आयतन दिया नहीं है लेकिन हाँ एक चीज दिया है, डेंसिटी दिया है, इससे हम निकालेंगे। और विलयन का आयतन भैया कितना होगा, अगर देखें तो 100 ग्राम में विलयन का आयतन क्या होगा, 100 ml होगा ना विलयन का आयतन। तो देखिए विलयन का आयतन कितना होगा, तो हमें मालूम है विलयन का आयतन, देखिए अगर इसको हम आयतन के केस में देखें तो विलयन का जो आयतन के केस में चलेंगे तो 100 ml होगा विलयन का आयतन। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, हमें मालूम है क्या घनत्व बराबर घनत्व बराबर क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान सॉरी यहां जो है ठीक है, यहां हम इसे निकाल लेंगे ग्राम में दिया, द्रव्यमान आयतन निकालना है, हम आयतन निकालेंगे यहां से। तो ये आपका विलयन का द्रव्यमान और क्या हो जाएगा यहाँ पर घनत्व, यहाँ घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान और ये क्या हो जाएगा यहाँ आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान आप यम से चाहे लिख लीजिए और आयतन आप वी से लिख लीजिए। तो विलयन का घनत्व देखिए दिया है और ये विलयन का द्रव्यमान कितना है, ये देखिए पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम है, तो यहाँ रख दीजिए यहाँ रख दीजिए और ये घनत्व आयतन इधर ले लीजिए, तो वी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यम बाई डी हो जाएगा। तो विलयन का द्रव्यमान कितना आपका 100 ग्राम है और ये 100 ग्राम और यहाँ घनत्व तो कितना है 1.2 ग्राम पर यम, ये 1 ग्राम कट जाएगा। तो आप इसको अगर काट देते हैं तो आ जाएगा ये 83.33 यम, ठीक आ जाएगा। तो ये आयतन आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आपको मालूम हो गया, अच्छा यहाँ तक हो गया हो तो आप इसको लिखिए, थोड़ा हमें जगह चाहिए यहाँ, तो ऊपर यहाँ से लेते हैं।
तो ये फार्मूला आपका, तो यहाँ से देखिए W इक्वल टू क्या हो गया आपका, W भाई वही आपका कितना होगा 10 ग्राम होगा, ठीक। और यहाँ ग्लूकोज का उद्भार यानी कि यह कितना होगा आपका 180 ग्राम पर मोल होगा। और यहाँ आयतन आपका निकल गया है, आयतन कितना निकल गया है आपका 83.33, ठीक ये निकल गया। चलिए रख देते हैं फार्मूला, तो W हो गया, हो गया आयतन भी निकल गया, तो मोलर का आपका क्या जाएगा, तो 10 गुणे यहाँ पर 1000 बटे आपका 180, और यहाँ आपका आयतन जो निकला है 83.33। तो इसको आप अगर हल कर देते हैं, इसको आप हल कर देते हैं तो आपका यह आ जाएगा, हल कर लेंगे आप तो 0.6 जो है 6.67 तो मोलरता है, तो ये हो जाएगा मोल पर जो है लीटर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर आएगा, इसको आप अगर हल करेंगे तो इतना आंसर आपका निकल के आएगा, ठीक हो गया, नोट कर लीजिए। तो एक आंसर हो आपका निकल गया। तो मैंने आपको एक कल सवाल दिया था, H2SO4 विलयन के मोलरता की गणना कीजिए जहां पर जल का मोल अंश कितना है 0.58 है, तो किसी बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं दिया, अनामिका यादव ने जो है उसका आंसर सही भेजा है 9.8 उसकी मोलेरिटी आई है, ठीक है। तो एक सवाल हम आपको देते हैं, आप इसको लगाएंगे और इसके आंसर को जो आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। सवाल दे देते हैं आपको, एक इसी तरीके का एकदम सेम सवाल होगा ऐसे ही, तो नोट कर लीजिए सवाल। लिखिए 20% W by W जलीय के आई का घनत्व है, के आई का घनत्व 1.202 ग्राम पर मोल है, सॉरी ग्राम प्रति एमएल है, तो के आई विलयन की क्या ज्ञात करना है, विलयन की नंबर एक आपको ज्ञात करना है मोललता, दूसरा आपको ज्ञात करना है मोलरता, और तीसरा आपको ज्ञात करना है मोल अंश प्रत्येक घटक का मोल अंश, ठीक। तो ये मोलरता, मोलरता और ये प्रत्येक घटक का मोल अंश आपको ज्ञात करना है। सेम सवाल वैसे ही है, सेम सवाल वैसे ही जैसे मैंने आपको सवाल जो है बताया है। तो यहाँ देखिए पोटेशियम का जो आपका द्रव्यमान, जो पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है वो 39 होता है और इसका जो है 127 होता है, ठीक। अब आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आज आपका यहीं तक सवाल है, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है देना ना भूलें।